नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन इजिप्ट। अगर आप एज ए इंडियन इजिप्ट में अपनी कंपनी, अपनी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, अपना कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिल जाता है एज इंडियन, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इजिप्ट में, टाइप ऑफ बिजनेस, लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि नॉर्मली इजिप्ट में चलती है, और ग्लोबल एक्सपोर्ट का रिसर्च क्या बोलता है इजिप्ट के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है इजिप्ट का, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स, यानी एज ए इंडियन आपको क्या क्या ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल बाकी जगह नहीं मिलते। तो बेसिकली आपको 100% ओनरशिप मिल जाती है, 100% फॉरन ओनरशिप आपको मिल जाती है, स्लीपिंग इजिप्टियन पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं, गुड सोशल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी, जैसे सऊदी अरब में आपने सिक्योरिटी देखी होगी, यंग स्किल्ड लेबर आपको मिल जाती है, यंग स्किल्ड लेबर मतलब पॉपुलेशन भी यंग है और स्किल्ड भी अच्छी आपको मिल जाती है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, लोकेशन आपको मालूम है कि स्वीज कैनल है, जैसे अगर इंडिया से कुछ सामान अगर यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है तो या तो फिर वो उधर से ये अफ्रीकन कंट्री से घूम के जाता है, जिससे एक हफ्ते से लगभग 10 दिन तक उसका शिप का रूट चेंज होने में, जैसे एक बार कई बार आपने देखा होगा, अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीना पहले ही वाली न्यूज है कि वो ग्रीन एवर वाला एक जो शिप है वो बेसिकली ऐसे फंस गया था स्यूज कैनल में, जो आर्टिफिशियल कैनल बनाया गया, एक समुद्र को दूसरे समुद्र से जोड़ा हुआ है, तो बेसिकली वो इजिप्ट में ही है और वहीं से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि हमारे कम से कम 8 से 10 दिन बन जाते हैं अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये इन सब कंट्री से अगर हम भेजते हैं, हिंदुस्तान से अगर हम भेजते हैं और यूरोपियन कंट्रीज को, तो ये बीच का रास्ता है जो कि इजिप्ट से होकर जाता है, और इजिप्ट का जो लोकेशन है रियली इट इज स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, हर कंट्री के लगभग लगभग बिल्कुल मिडिल में पड़ रहा है और वहां पे उसका वो जोन का भी आप फायदा उठा सकते हैं, बिजनेस फ्री जोन अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी SEZ आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कंपनी गवर्नमेंट जो है उसमें अलग अलग बेनिफिट्स देती है बिजनेसमैन को, और फॉरेनर बिजनेसमैन को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पे आए। सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट आपको मिल जाती है, सपोर्टिव गवर्नमेंट आपको मिल जाती है, ह्यूज टूरिस्ट ट्रैफिक मिल जाता है पर ईयर, थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आते हैं बेसिकली घूमने के लिए, और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इजिप्ट में, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है बेसिकली अभी अक्टूबर मंथ में ऑफलाइन जो है 27, 28, 29 अक्टूबर को है, दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, और जो ऑनलाइन है वो अभी चल रहा है अक्टूबर मंथ का, और नवंबर में 12 नवंबर to 19 नवंबर शेड्यूल किया है, जिसमें पूरा सिखाते हैं इम्पोर्ट, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यही सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करते हैं, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कैसे बायर के साथ इफेक्टिवली बात किया जाता है, बायर मेरे से सामान कैसे खरीदेगा, बायर मेरे को रिपीट ऑर्डर कैसे देगा, कैसे सोर्सिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या क्या बिजनेस आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेसिकली टूर एंड ट्रेवल बिजनेस का अगर आपको एक्सपीरियंस है या आपका इंटरेस्ट है, तो टूर एंड ट्रेवल वाला बिजनेस आप बहुत ज्यादा वहां पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब फूड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर फूड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट है तो उसको आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। होटल बिजनेस वहां पे अच्छा चलता है, कार रेंटल बिजनेस अच्छा चलता है वहां पे, कार रेंटल बिजनेस बस चाबी दी, पैसा लिया और फिर मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही पैसा लिया और सिक्योरिटी भी ली, वो आपको मालूम ही है। कार बिजनेस के लिए अलग से आप बहुत सारे उसके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कार रेंटल बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में भी नॉर्मली चलता है, हिंदुस्तान में कम ये चलता है लेकिन इजिप्ट में कार रेंटल बिजनेस बहुत ज़्यादा यार, और अलग यूरोपियन कंट्रीज में भी देखें कार रेंटल बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। इजिप्ट में राइस फार्मिंग भी अच्छी होती है, तो वो राइस फार्मिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, यानी अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कम हो रहा है जिससे पोल्यूशन होता है, बेसिकली ऐसी एनर्जी जैसे जो बिजली है, बिजली हम किससे बनाएं, ऐसी एनर्जी जिससे कि हमें पोल्यूशन कम हो या फिर पोल्यूशन जीरो हो, जैसे पोल्यूशन फ्री
सोलर पैनल सोलर जो सोलर पावर प्लांट रहता है बेसिकली, तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी में विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का भी बिजनेस आप वहाँ कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलती है। फूड डिलीवरी सर्विसेज जैसे जोमेटो वगैरह का आपने नाम सुना होगा, फूड डिलीवरी सर्विस वहाँ पर अच्छी चलती है। लेबर सप्लाई का आप काम कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आप खोल सकते हैं, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पीटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। कोल सप्लाई चेन में आप घुस सकते हैं, उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। फूड ट्रक आप ओपन कर सकते हैं, छोटा बजट वाला अगर आपको चाहिए तो फूड ट्रक बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, कौन कौन से टाइप की बिजनेस लीगल एंटिटी वहां पर होती है नॉर्मली, तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है जीएससी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली उसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है टू द वैल्यू पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स वैल्यू। अगर जैसे मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 5 करोड़ रुपए तक ही मेरी वैल्यू लिमिटेड रहेगी, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, मुझे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, उसके बाद मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सो बेसिकली कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी चाहिए क्या? यस, 2.5 लाख इजिप्टियन पाउंड चाहिए बेसिकली, जो कि होता है इक्वल टू 10.48 लाख इंडियन रुपीस, क्योंकि 1 इजिप्टियन पाउंड इज इक्वल टू 4.19 इंडियन रुपीस INR। वो आगे हम बात भी करेंगे ग्लोबल एक्सपोर्ट की जो रिसर्च है उसमें क्या रुपीस निकल कर आते हैं। जो 10.48 लाख इंडियन रुपीस आपको लग रहा है उसका एटलीस्ट 10% इज मैंडेटरी टू पे ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट, यानी जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं कंपनी का 10% उसी दिन आपको पे करना है। रेस्ट 25% आप पे कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट थ्री मंथ। इतना लिबर्टी आपको दिया हुआ है, बाकी कंट्री की तरह नहीं कि पूरा पैसा आज ही पे करो, वैसा कुछ नहीं है। तो आपको लिबर्टी दिया गया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टाइप की कंपनी की, तो वो LLC होता है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि इट इज़ वेरी फेमस अमंग दी फोनर्स, यानी जैसे इंडियन से कई बार अगर वो कंपनी ओपन करते हैं तो LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओपन करते हैं। ये ऐसी है जैसे हिंदुस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे लायबिलिटी आपको लिमिटेड मिलती है और मिनिमम पार्टनर 2 डायरेक्टर आपको चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इजिप्टियन स्लीपिंग पार्टनर आपको बहुत सस्ते रेट में वहाँ पे मिल जाता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कैपिटल कितनी चाहिए, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ओनली 1000 इजिप्टियन पाउंड, सो दैट इज इक्वल टू 4192.50 रुपीज। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की कंपनी की, तो वो ब्रांच ऑफिस आता है, यानी जैसे हमारी कंपनी आ ग्लोबल एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में है, उसका ब्रांच ऑफिस हम बेसिकली इजिप्ट में खोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही उसमें कुछ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार या फिर उसमें कुछ हम सामान खरीदना या बेचना है, कुछ ऐसे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ओनली प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, OPC 1% कंपनी, जैसे इंडिया में भी होती है 1% कंपनी, उसमें एक ही सिंगल ओनर आपको चाहिए, एक ही सिंगल पर्सन से वो कंपनी चल सकती है, द पर्सन 1% कैन हैंडल, और उसमें भी लायबिलिटी आपको लिमिटेड मिलती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आ ग्लोबल एक्सपोर्ट की रिसर्च क्या बोलती है इजिप्ट के बारे में, तो बेसिकली रिसर्च में सबसे पहले पायदान पे आते हैं किसी भी मार्केट के वहाँ की इकोनॉमी पॉपुलेशन। तो इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी वहाँ पे फोर जो इजिप्ट की है 435.62 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है इजिप्ट का, तो अच्छा इकोनॉमी आपको यहां देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10.6 करोड़ का ये पॉपुलेशन है, जिसमें इंडियन भी 5000 इंडियन है, 5000 इंडियन है। अगर मैं बात करूं पर कैपिटल इनकम, तो पर कैपिटल इनकम भी अच्छा निकल के आ रहा है, 4162 US डॉलर का पर कैपिटा इनकम है, जो कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2500 US डॉलर ही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन पे आप कंट्रोल करेंगे तो हम भी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी तो हमारी $1 trillion में है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ करेंसी, तो करेंसी मैंने पहले भी बताया कि इजिप्टियन पाउंड आता है, 1 इजिप्टियन पाउंड इज इक्वल्स टू 4.19 इंडियन रुपीज। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज, तो अरबिक लैंग्वेज चलती है, क्योंकि गल्फ में पड़ता है, अरबिक लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश भी वहाँ बहुत ज़्यादा बोली जाती है। टोटल
टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 47.78 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट की बात करें तो वो 78.6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट डिफिशिट कंट्री है इंडिया की तरह। अगर मैं बात करूं बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है, तो बेसिकली सिंगल एंट्री के लिए 30 डेज का बिजनेस वीजा मिलता है, यानी एक महीने का बिजनेस वीजा आपको मिलता है, जिसका कॉस्ट बहुत ही कम है, 4,799 रुपीज़ का फीस है। उसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या लग जाते हैं, आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका लगेगा, जिसका वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो। आपको फाइनेंशियल प्रूफ आपका दिखाने के लिए 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा, आपके 2 फोटोग्राफ्स आपको लग जाते हैं, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको लग जाता है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लग जाता है, कन्फर्म्ड रिटर्न एयर टिकट आपको लग जाता है कि भाई आप जा रहे वापस आओगे कि नहीं, हाँ जी वापस आएंगे, कन्फर्म्ड एयर टिकट आपको लग जाता है, होटल रिजर्वेशन आपको लग जाता है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपको, जो बेसिक लगभग सभी वीजा में लगभग लगते ही हैं, और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इजिप्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, या इजिप्ट में टारगेट कर रहा है, या फिर इजिप्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या कोई जॉब कर रहा बिजनेस करना चाहता है, जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।